तो हाय गाइस, वी आर एट मोजम जाई मार्केट एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस। इस जगह को बनाया गया था 1935 में मीर ओस्मान अली खान जी ने। तो आई थिंक दिस जो भाई साहब थे जिन्होंने जगह बनाई 1935 में, मीर ओस्मान अली खान जी, ये जो थे जीनियस थे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग कहते हैं दिस वॉज एन ओपन सुपर मार्केट। जी हाँ, उस टाइम पे 1935 में जहाँ पे सुपर मार्केट्स नहीं थे, थिएटर्स नहीं थे, मॉल्स नहीं थे, उस टाइम पर जो मीर ओस्मान अली खान जी है उन्होंने एक ओपन सुपरमार्केट बनाया। इमेजिन द विजन विच ही हैड। कहते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ पे आते थे। यहाँ पे जो हम लोगों ने वीडियो दिखाया अभी, जहाँ पे कई सारे शॉप्स है, छोटे छोटे शॉप्स, कहते हैं यहाँ पे हर चीज़ मिलती थी, हर ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी। लोग दूर दूर से आते थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। जस्ट इमेजिन जो नज़ारा होगा उस टाइम पे, एक बड़ा सा मार्केट एंड रात में लाइटिंग्स हो गए और बहुत ही अलग सा नज़ारा होगा। 1935 में उन्होंने एक ओपन मार्केट बनाया, ओपन सुपर मार्केट, हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी यहाँ पे। लेकिन अभी बिकॉज इट्स बीन लाइक यू नो रिनोवेटेड एंड एवरीथिंग, यहाँ पे अभी फेमस, दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स आइसक्रीम, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फ्रूट मार्केट। जो फ्रूट मार्केट है यहाँ पे वो भी इसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे 2-3 महीने पहले एक निज़ाम शेफ नाम की जगह खुली है यहाँ पे, तो अच्छा स्नैक्स मिल जाता है, काफ़ी सारे दूसरे खाने के ऑप्शन है, स्नैक्स एंड अदर प्लेसेस आर देयर। तो हम लोग इस वक्त है मोजम जाई मार्केट पे और ये जो है एकदम नया नया शॉप खुला अभी यहाँ पे, इसका नाम है निज़ाम्स किचन और बहुत सारे अच्छे आइटम्स मिले। हम लोग ऑर्डर करेंगे कुछ आइटम्स यहाँ से और देखेंगे कैसी है। तो ये जो है इनके ओनर है। तो सर कैसे आप? हम ठीक, आप सब लोग कैसे? बस गुड गुड, अच्छा हो। आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। वसीम, ओके। तो ये मैं बहुत सालों से आता हूँ यहाँ पे, लेकिन दिस इज़ लाइक ए न्यू प्लेस, है नया जगह है यहाँ पे, अभी भी खुला है आई थिंक सो। तो कितने महीने हो गए खुल के यहाँ पे अभी? ये 3 months हो गया है। 3 months? जी हाँ। ओके, तो 3 months से खुल चुकी है यहाँ पे निज़ाम्स किचन। तो आइसक्रीम, पहले सिर्फ यहाँ पे आइसक्रीम मिलती थी, लेकिन अगर आपको स्नैक्स खाना है, कुछ भी खाना है, तो यू कैन कम ओवर हियर। मेन्यू दिखाएंगे अभी आपको, आप लोगों को, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो हम लोग भी कुछ ऑर्डर्स करेंगे, कुछ आइटम्स ऑर्डर करेंगे यहाँ से। तो भाई यहाँ पे जो फेमस आइटम्स है क्या मिलते हैं इसके अंदर, जो अच्छे, जो मतलब वेज में कुछ है क्या यहाँ पे? जी हाँ, वेज में भी है और नॉनवेज का एक बेहतरीन आइटम है जो कि चिकन का है, वो टर्किश कबाब है। एक्चुअली आपको पूरा हैदराबाद में कहीं भी नहीं मिलेगा, वो टर्किश कबाब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो टर्किश कबाब हैदराबाद में शायद बहुत कम जगह मिलेंगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोजम जाई मार्केट में अगर आप आओगे तो। तो और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो वेज में अगर कुछ लेना है, नॉर्मल सा कुछ सैंडविच वैंडविच मिल जाएंगे यहाँ पे? वेज में ऑप्शंस मिल जाएंगे लोगों को आपको। ओके, तो नॉन वेज में टर्किश कबाब और कौन सा अच्छा आइटम्स है यहाँ पे? नॉन वेज में ब्रोस्टेड चिकन मिलेगा और हमारे पास अरेबियन बर्गर, स्पेशल बर्गर है अरेबियन बर्गर, जैसा आप देख सकते हैं वहाँ पर अरबन, वैसी तरीके से मिलेगा हमें बर्गर, अरेबियन बर्गर है। और वेज में देखेंगे तो वेज सैंडविच है हमारे पास, वेज सैलड है हमारे पास। जी हाँ, तो बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, हम लोग दिखाएंगे अभी थोड़ी कुछ देर में, हम ऑर्डर भी करेंगे और हम देखेंगे कैसे टेस्ट कैसा करता है। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, यू कैन सी दिस इज़ अ पिज़्ज़ा। ओके, तो पिज़्ज़ा आ चुका है हमारा, जो अभी हमने वीडियो निकाला था निज़ाम्स किचन, सो वहाँ से पिज़्ज़ा ये। तो बैठे बैठे पिज़्ज़ा खाएंगे अभी हम लोग और टेस्ट करेंगे कैसा है पिज़्ज़ा यहाँ का। तो इट्स अ गुड पिज़्ज़ा, इट्स अ गुड प्लेट, सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। तो भाई बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा एकदम। तो चेयर्स। तो ये रहा पिज़्ज़ा हमारा, देखिए चीज़ बहुत अच्छा है। क्वाइट टेस्टी, नॉट सो एक्सपेंसिव। अगर आप किसी बड़े से पिज़्ज़ा पार्लर में जाओगे तो इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, लेकिन इट्स वेरी टेस्टी। क्रस्ट इज़ रियली सॉफ्ट, द क्रस्ट इज़ सॉफ्ट एंड द पिज़्ज़ा, द चीज़, इसमें टमाटो सब डाला गया, बहुत ही टेस्टी बना गया वेज पिज़्ज़ा। इट्स रियली टेस्टी, इज़ वेरी चीज़ी, वेरी नाइस टेस्ट। सो फिर से पिज़्ज़ा पूरा खाएंगे हम लोग। इसमें इन्होंने कॉर्न डाला है, इंटरेस्टिंगली इसमें ब्रोकली भी डाली गई है। तो लुक एट दिस, दिस इज इट्स ब्रोकली। तो इसमें पिज़्ज़ा में ब्रोकली डाली गई है, तो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव वेजिटेबल, ब्रोकली चीज़ है, कॉर्न है, कैप्सिकम है। इट्स टेस्टी, इट्स इंटरेस्टिंग दैट यहाँ पे इतना टेस्टी पिज़्ज़ा मिलता है। सो आई एम श्योर द नॉन वेज फूड भी बहुत टेस्टी मिलता होगा यहाँ पे।
तो मैंने वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इट्स रियली टेस्टी, चीज़ी है। पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे, देखेंगे कैसी आइसक्रीम टेस्ट करेंगे। सो यू कैन लुक एट द प्लेस, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लेस, सी द स्पेस ओवर हियर, लुक एट द स्पेस, काफ़ी बड़ी जगह है। एंड दिस इज़ ओनली द 40%, दिस इज़ ओनली द 40% ऑफ दिस एंटायर प्लेस मोजमजाई मार्केट। चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं और द क्लॉक टावर, दिस इज़ आइसिंग ऑन अ केक, द क्लॉक टावर। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, द प्लेस, द स्टोन वॉल्स एंड द क्लॉक टावर, एंड इट्स अ बिग प्लेस, इट लिटरली फील्स लाइक मैं किसी महल के सामने किसी बगीचे में बैठा हूँ। अब जब खाओगे यहाँ पे तो इट्स अ वेरी गुड फील। सो दैट्स द फर्स्ट रीज़न व्हाई आई एम हियर। मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक ऑब्जर्विंग पीपल। सो दिस इज़ लोकेटेड वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस। सो ये एक चौरस्ता है यहाँ पे, जिसे मोजमजाई मार्केट चौरस्ता ही कहते हैं। सो इट्स अ वेरी बिजी प्लेस, जो यहाँ से बैठ के जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत चहल पहल है, और ऊपर से जो एक मेट्रो का प्लेटफॉर्म है, ऊपर आपको मेट्रो का प्लेटफॉर्म दिखेगा। सो इट्स अ रियली गुड प्लेस, एंड नॉर्मली इफ यू कम ऑन अ वीक डे यू कैन स्पेंड आवर्स टुगेदर, यू कैन हैव योर ओन टाइम। सो इट्स अ गुड प्लेस टू जस्ट हैंग आउट। तो हमारे साथ है शादाब भाई, शादाब भाई पिज़्ज़ा लेके आया था हमारे लिए। एंड ये इनका जो जगह का नाम है क्या, निज़ाम शेफ, राइट? निज़ाम्स किचन। ये हमारे लिए लेके आए थे पिज़्ज़ा, और बहुत टेस्टी था वह पिज़्ज़ा, एंड और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी होगी आई एम श्योर। और तो दिस इज़ अ गुड प्लेस, आप आएंगे यहाँ पे, एंड द सर्विस भी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे बैठेंगे, अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है। तो यही शादाब भाई आएंगे, ऑर्डर लेंगे आपका और डिलीवर करेंगे, कुछ भी चाहिए तो इन्हें पूछ लेना आप, तो ना यू विल गेट इट वॉट एवर यू नीड। बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, बहुत ही सस्ते दामों में पिज़्ज़ा खाया था, बहुत टेस्टी था, चीज़ी था। और वैरायटीज़ में कौन से फेमस और शावरमा, बर्गर्स, निज़ाम स्पेशल बर्गर, तुर्किश कबाब, रोस्टेड चिकन, और पिज़्ज़ास जो आपने टेस्ट किया है? हाँ, पिज़्ज़ा भी टेस्ट किया। तो नॉनवेज में बहुत सारे आइटम्स हैं, वेज में थोड़े कुछ कम आइटम्स हैं, लेकिन नॉनवेज में बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। तो आइए और टेस्ट कीजिए यहाँ पे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली जगह है, एंड एंजॉय करेंगे आप। तो थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, शादाब भाई, थैंक्स अ लॉट। पिज़्ज़ा खा लिया अभी हम लोगों ने, अभी आइसक्रीम खाएंगे। तो आ गया हमारा आइसक्रीम बटर स्कॉच। अभी हमारा आइसक्रीम आ चुका है, यह है बटर स्कॉच आइसक्रीम। बहुत ही बेसिक फ्लेवर जो है ऑर्डर किया है हम लोगों ने, क्योंकि जो बेसिक फ्लेवर्स होते हैं वनीला या बटर स्कॉच, जब उसको खाते हैं तो उसके पता चल जाता है कि यहाँ पे आइसक्रीम किसी भी जगह पे आप बेसिक फ्लेवर खाइए, आपको पता लग जाएगी कि आइसक्रीम कैसे मिलते हैं वहाँ पर। अभी खाएँगे हम लोग, दिखाएंगे कैसी आइसक्रीम। इट्स रियली गुड बटर स्कॉच आइसक्रीम, बहुत अच्छा टेक्स्चर है, क्रीमी टेक्स्चर है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सही आ रहा है, बटर स्कॉच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, स्मूथ है, एकदम अच्छा है। ऐसी जैसी वनीला आइसक्रीम या बटर स्कॉच आइसक्रीम जब आप खाते हैं, उसका टेक्सचर आपको जब आप देखते हैं आप, तो उस आइसक्रीम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी सारी आइसक्रीम्स कैसी होगी। तो दिस इज़ रियली गुड, आई कैन अज्यूम दैट अदर आइसक्रीम्स जो थोड़ी सी महंगी है, जो आइसक्रीम यहाँ पे जो बड़ी वाली आइसक्रीम्स होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी होगी। बिकॉज अगर बेसिक फ्लेवर्स अच्छा है किसी भी आइसक्रीम शॉप का, जैसे वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, इफ़ दिस फ्लेवर्स आर रियली गुड, तो बाकी सारी आइसक्रीम्स भी अच्छी होगी। गुड, आई एम क्वाइट एंजॉइंग द आइसक्रीम ओवर हियर। यहाँ पे आके आप बहुत सही टाइम बिता सकते हैं। अगर आपके घर में काफ़ी सारे मेहमान आ गए और मेहमानों के साथ काफ़ी सारे बच्चे भी आ जाते हैं और ज़िद कर बैठते हैं कि हमें आइसक्रीम खाना है, तो आप लोग यहाँ पे उनको लेके आ सकते हैं, सबको आइसक्रीम की ट्रीट दे सकते हैं। यू कैन लाइक गिव अ ट्रीट, आइसक्रीम ट्रीट, सब बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मेहमान भी खुश हो जाएंगे, और ज़्यादा पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आइसक्रीम मिलते हैं यहाँ पे, एंड ये जो दो आइसक्रीम शॉप्स है यहाँ पे, शाह एंड फेमस, दिस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइसक्रीम शॉप्स इन द सिटी। सो दे नो एग्जैक्टली हाउ आइसक्रीम नीड्स टू बी मेड, बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों का आइसक्रीम बनाकर, बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आप इसको किसी, दिस इज़ अ क्लॉक टावर, देखेंगे आप क्लॉक टावर की आवाज़ है, लिसन टू द क्लॉक टावर। तो हमारे साथ है अभी प्रेम कुमार जी, जो फेमस आइसक्रीम है यहाँ पे, जो सबसे पुराना आइसक्रीम है और बहुत ही पुराना है। भाई कितना पुराना होगा यहाँ पे फेमस आइसक्रीम? 70 ईयर्स पुराना आइसक्रीम है भाई। से हम लोगों ने बटर स्कॉच आइसक्रीम खाया था अभी, बहुत टेस्टी था, बहुत क्रीमी था, तो 70 ईयर्स पुराना आइसक्रीम है। तो भाई फेमस जो आइसक्रीम है यहाँ पे, जो स्पेशल वेराइटीज़ कौन से यहाँ पे इसके अंदर? फेमस स्पेशल है
ऑल मिक्स है, हनीमून है, टंडर बॉल है, फ्रूट सलाद है, नेचुरल आइसक्रीम है, मैंगो, चीकू, सीताफल, अंजीर, खरबूजा, लीची है। ओके, तो काफ़ी सारे सीजनल फ्रूट्स भी यहाँ पे, फ्रूट्स के आइसक्रीम से मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्लेस, अगर काफ़ी सारे लोग आते हैं आपके घर में, अगर आपको सबको आइसक्रीम का ट्रीट देना है तो यहाँ पे आ सकते हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, कभी कभी घर में बहुत सारे मेहमान आए थे, बच्चे आए थे, आइसक्रीम का पार्टी चाहिए तो यहाँ पे आके पार्टी दे दो। बिल्कुल सर, और पैसे भी कम देने पड़ेंगे। बिल्कुल कम रेट है हमारे पास, कम रेट है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको किसी को घर वालों को लेके आना है, यहाँ पे बड़ी फैमिली है, यहाँ पे आके आइसक्रीम खिलाना है तो यहाँ पे लेके आ जाइए, आइसक्रीम खाएंगे, आप भी खुश, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। तो आप लोग, आप कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 15 साल से कर रहा हूँ सर। 15 साल से कर रहे हैं जी सर। तो 15 साल से प्रेम कुमार जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे वीकडेज में तो फ्री मिलेंगे, लेकिन वीकेंड में बहुत बिजी होते हैं, सैटरडे संडे दिखेंगे नहीं सर आपको। या सो वीकडे में बहुत, वीकडे में आओगे आप यहाँ पे तो बैठोगे आराम से, ऑर्डर मिलेंगे आपको, आपको पूछेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वीकेंड में बहुत बिजी हो गया है ना भाई? हाँ सर, बिजी वीकेंड में बिजी हो गया। अभी हम लोग वीकडे में आए तो इसलिए बहुत इजीली हम लोग को ऑर्डर मिल गया अभी हम लोगों को। और तो यार बहुत टेस्टी आइसक्रीम यहाँ पे, तो कितने कम था बटर स्कॉच का जो भी आइसक्रीम है, कितने का अभी आइसक्रीम है? 35 रुपीज का ओनली। ओके, ओनली 35 रुपीज़ का आइसक्रीम था बटर स्कॉच, अभी हम लोग रिव्यू दिया आपको आइसक्रीम का, बटर स्कॉच 35 रुपीज़ का। तो इट्स वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा था, टेस्टी आइसक्रीम था, क्रीमी फ्लेवर था, बहुत ही अच्छा टेक्सचर था। 35 रुपीज़ में इट्स रियली गुड आइसक्रीम, आप लोग आके आके ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। सो गुड भाई प्रेम कुमार जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द इंटरव्यू। सत्तर सालों से भी ज़्यादा हो चुका है इस फेमस और शाह आइसक्रीम को, दे नो हाउ आइसक्रीम्स आर मेड, उन्हें पता है कैसे आइसक्रीम बनाई जाती है। आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, पॉकेट फ्रेंडली जगह है, टेस्टी खाना मिलेगा, टेस्टी आइसक्रीम मिलेंगी आपको, एंजॉय कीजिए। सनसेट आ गया, एक सनसेट का वीडियो दिखा देता हूँ, सनसेट आ गया है तो देखिए भाई, बैठे बैठे यहाँ पे सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं, सूरज हमारे सामने डूब रहा है, एंड इट्स अ रियली गुड फीलिंग, इट्स अ गुड व्यू, रियली गुड व्यू।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे बुकर्ड.